वैसे तो आईपीएल अगले सीजन में अभी वक्त है, मगर दुनिया के यह सबसे रोमांचक टी20 लीग की सुर्खियां बनाना रह चुका है। खबर है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के मालिकाना हक वाले केकेआर ने अपने तूफानी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है। खुद स्टार्क ने इसका खुलासा किया। 28 वर्षीय इस खिलाड़ी के माने तो केकेआर फ्रेंचाइजी टीम के मालिकों की तरफ से मैसेज के जरिए यह बताया गया कि टीम का इस सत्र में उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। अब स्टार्क का आईपीएल 2019 में खेलना संदिग्ध नजर आ रहा है। यह तभी संभव हो पाएगा जब स्टार्क खुद को दोबारा इस सीजन की निलामी के लिए रजिस्ट्रेट करवाए। हालांकि उन्होंने आईपीएल की बजाय विश्व कप 2019 का खेलना प्राथमिकता बताई है। यदि वर्तमान शेड्यूल दिखाया गया तो आईपीएल 19 मार्च से 19 मई तक होना और इसके बाद विश्व कप का आयोजन 30 मई को होगा। पता चले कि केकेआर ने जनवरी में स्टार्क को 9.40 करोड़ की मोटी रकम देकर खरीदा था, जबकि उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी। स्टार्क दाएं पैर में फ्रैक्चर के कारण आईपीएल 2018 नहीं खेल पाए। पीएम न्यूज 24 की रिपोर्ट।